चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। ये कार्यक्रम करने से कोई फायदा है नहीं। कन्हैया कुमार का जो हिस्ट्री है वो उनको वोट देने के लायक नहीं। ये वोट मोदी का है और मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा, मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्र का चुनाव है ये। हमारे आसपास पूरा खानदान ही बीजेपी को देता है। उस टाइम से 92 से जब विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद, तब से ही हम लोगों ने कसम खा ली कि हम बीजेपी के अलावा कोई किसी को वोट देंगे नहीं, चाहे जो। देश को तीन टुकड़े में करने वाले हमारे बाबू आए हैं कन्हैया जी, फ्री दे के सबको ठग रहे, बगला रहे हैं, पूरे दिल्ली में गंदगी फैला दिया है। वो सिपाही बहुत पैसे वाला है, इसने बहुत पैसा जो है मोदी को दे दिया, इसलिए इसको टिकट मिला। उनका गाना है फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। क्या खोल के दिखाने का बात कर रहा है भाई? लहंगा रिमोट से उठाए। अरे भाई ये क्या बात हो रहा है, लहंगा ये होता, ये नेता है। अरे बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया। सुनिए एलानिया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये आवाज पूरी सोनिया विहार तक जानी चाहिए कि बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया। मंदिर में माथा टेकते टेकते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। माहौल क्या, पहले आप माहौल बताइए। जो देश चलाने वाला सही आदमी है उसी को देना है वोट, बस और कुछ नहीं कहना है किसी को। जो देश बंदा जो चलाने वाला बैठा हुआ है उसी को वोट दो, आगे के लिए सही कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम करने से कोई फायदा है नहीं, ये सब करने से फायदा नहीं है। कार्यक्रम जो चला रहा है आगे, उस कार्यक्रम को सही रखो। क्या कहेंगे, उनको भी तो बैठने रहना चाहिए, उनको भी प्रचार नहीं करना चाहिए। उनका तो होर्डिंग में, पेट्रोल पंप में है, हर जगह उनका तो चलता रहता है, उनका तो पोस्टर लगा है, तो उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है। कभी बिहार, कभी कलकत्ता, कभी झारखंड, कभी उड़ीसा, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी राजस्थान क्यों घूम रहे हैं? उनको तो रहना चाहिए, बड़े बड़े चैनलों पर रहते हैं, मोदी जी के प्रचार प्रसार। हम कहते हैं जो देश का राजा है उसको तो जाना ही पड़ेगा। देश के राजा है तो पंजाब भी जाएगा, अमेरिका भी जाएगा, सब जगह जाएगा। यहाँ से मैदान एकदम साफ है, सिर्फ चुनाव इसलिए है कि कन्हैया कुमार 5 लाख से जीतता है कि 6 लाख से जीतता है। अरे आखिरी बार तो मनोज तिवारी यहाँ भारी अंतर से जीते थे। रिंकिया के पापा को हम लोग नाचने गाने के लिए रखे हैं। पूरे इलाका का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक ही नारा है, रिंकिया के पापा को नचाएंगे और कन्हैया को जिताएंगे। एक सवाल हमारा बन रहा है, तो बिहार से कन्हैया को दिल्ली क्यों लाना पड़ा? कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता दूसरा नहीं था क्या दिल्ली में? अरे यही तो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ते हैं, रायबरेली से भी लड़ते हैं और केरल से भी लड़ते हैं। राहुल गांधी पे चले गए, हम कन्हैया कुमार। देश को तीन टुकड़े में करने वाले हमारे बाबू आए हैं कन्हैया जी। अरे जो समाज को बांटता है, हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी जी से बात करिए, रोजगार पे बात करिए तो कहते हैं पाकिस्तान रो रहा है। अगर कुछ महंगाई पे बात करिए तो कहिए 70 रुपए आटा पाकिस्तान में है। अरे भाई हमको पाकिस्तान से क्या लेना है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की बात करो। ये जुमलों में फंसाते हो, झूठ बोलते हो। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस का कैंडिडेट है, सुनिए सुनिए, जो कैंडिडेट है उन पे एक आरोप लगा टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने का, जेएनयू वाला जो दाग लगा है, मोदी पे चंदा चुराने का दाग है, अंबानी अडानी का दलाली करने का दाग है, गोधरा कांड का दाग है। तो दाग का क्लीन चिट मिल गया है जनाब, क्या बात कर रहे हैं, कोर्ट ने क्लीन चिट। घर का सारा माल चोरी मोदी जी कर लिए है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। भाई आपका राज हो जाए, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप चोर से साहू से बन जाएंगे। अब जितने करप्ट नेता थे उनके क्या नाम पार्टी जाने में, जाने के बाद में सब वॉशिंग मशीन में धुलवा के क्या नाम सब करप्ट सब सही हो गया। जितने लग रहा है बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नेता धुल जाते। कोई धुला हुआ नेता नहीं है, समझे कि नहीं? पार्टी जो देश के चलाने वाले जो है वो धुला हुआ है, सब धुला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तिवारी जी एक तरफ है, सुनिए तिवारी जी हैं सामने कन्हैया कुमार, क्या संभावना लग रहा है? एक बिहारी मनोज तिवारी, कन्हैया भी बिहारी है। एक बिहारी मनोज तिवारी, अच्छा एक बिहारी मनोज तिवारी, लेकिन कन्हैया भी बिहारी है, कन्हैया भी सवर्ण। एक बिहारी मनोज तिवारी, अच्छा मनोज तिवारी कन्हैया मनोज नहीं, नहीं हम, अरे एक नारा है सुनिए ना, अरे अरे रुको ना भाई, एक नारा सुनो पहले।
जो नर है ना नारी है उसका नाम मनोज तिवारी है। जो नर ना नारी है उसका नाम मनोज तिवारी है। नहीं वो नारी है, वो मर्द है। एक शिक्षा थी, शिक्षा मित्र को क्या नाम है बगल में, कह रहा है कि इसको हटाइए, इसका सस्पेंस कट दीजिए। हाँ उसको क्या नाम है, औकात नहीं था क्या नाम है, ऐसे बोलती हूँ। वो उनका पेशा है, वो एक गायक है एक एक्टर है, तो उनका पेशा, आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते। नहीं ये बताइए, उनका गाना है फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ, क्या खोल के दिखाने का बात कर रहा है भाई, लहंगा रिमोट से उठाए। अरे भाई ये क्या बात हो रहा है, लहंगा ये बताइए, ये नेता है, ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रीय मुद्दा पे लड़ा जाता है, ये सब चीज नहीं देखा जाता। अच्छा अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा पर ही आते हैं, 2 करोड़ रोजगार का बात था, क्या हुआ कि एक मिनट अपने सांसद को थप्पड़ मार रहे हैं कि बैठा कर जूता मारने के लायक आदमी को थप्पड़ मार रहे हैं, तब बढ़िया ना कर रहे हैं जी। अच्छा एक सही आरोप लगाया है, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रहा है, संदीप दीक्षित से कन्हैया कुमार का झड़प हो गया, लोकल जो यहाँ के जो स्थानीय नेता है पसंद नहीं कर रहे कन्हैया कुमार। लोकल नेता क्या पसंद करता है, पब्लिक ने वोट देगा जी, संदीप दीक्षित का वोट है नहीं देगा। लवली जी भी छोड़ के चल रहा है, लवली जी भी बीजेपी। सारा जनता को आप कह दो से कन्हैया को ये वोट नहीं देगा तो कन्हैया पे हो गया, सब पे कहो कैसा ही कन्हैया हारे हुआ है। लवली जी का एक वोट है वो नहीं देगा, एक वोट कैसे है, लवली जी का प्रभाव नहीं है इलाके में, कोई प्रभाव नहीं सबका। अरे प्रभाव राहुल गांधी का, इसके बारे में सोचिए कि फ्री में शिक्षा लेते हैं, मोदी जी का सही है, आगे का इस बच्चे के बारे में सोचिए, इस बच्चे का भविष्य सही करने के लिए सोच रहा हूँ, जो मोदी जी के लिए। फ्री देना कोई अच्छी बात है क्या, कुछ नहीं चाहिए फ्री, नहीं चाहिए किस चीज का फ्री चाहिए, नहीं चाहिए फ्री, पूरे फ्री दे के सबको ठग रहे, बकला रहे हैं, पूरे दिल्ली में गंदगी फैला दिया है। केजरीवाल फ्री कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, केजरीवाल अपने घर से ला रहे हैं क्या। इसके पहले भाजपा वाला सब नेता चुरा के खा जाता था, थ्री डी रैली में पैसा बर्बाद करता था, अगर गरीब लोगों को कुछ सुविधा दी गई तो इसमें बुरा क्या है, माहौल क्या है। माहौल से सर 400 पार बीजेपी, 400 पार बिल्कुल बीजेपी आएगी, 400 पार, 400 पार पेट्रोल, 400 पार डीजल, 400 पार क्या, क्लियर करो 400 पार क्या। अरे भाई 400 पार का बात करता है, 400 सीट पे भाजपा तो मुकाबले में भी नहीं है। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते, हमने 14 में जिनको चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते। प्रत्याशी तो यहाँ के जो हैं दोनों, पहले वाले जो हैं वो निकम्मे हैं और दूसरे वाले भी निकम्मे ही हैं, तो हम लोग तो वोट उसी को देंगे जो पहले वाला ही है। ये नए प्रत्याशी हैं, इनको भी सुनेंगे। ये कन्हैया कुमार है, दोनों में कौन बेस्ट लग रहा है। देखिए कन्हैया कुमार का जो हिस्ट्री है, उनका जो पास्ट है, वो उनको वोट देने के लायक नहीं है व्यक्तिगत तौर से। कन्हैया कुमार को छवि खराब है, जो छवि उनकी है, जिस ताकत से वो आते हैं, जिस फोर्सेस ने उनको पैदा किया है, हम उसके विरोधी हैं। तो अगर देश हित की जो बात करेगा, दल का है कोई भी हो, जो देश के विरुद्ध में है हम उसके विरुद्ध में। यानी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो आरोप लगा जेएनयू वाला, छवि खराब कर रहा है कन्हैया कुमार का, कई सीटों पे ऐसा हमने देखा भी महसूस। कन्हैया कुमार को जिंदगी भर ये पाप उनसे धुलेगा नहीं, चाहे किसी भी। नुकसान तो नहीं हो जाएगा लोकसभा चुनाव, नुकसान ये होगा कि अगर पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट दिया होता साफ सुथरा, तो मनोज तिवारी नहीं जीतते। मनोज तिवारी का कोई खास लग रहा है, कैंडिडेट वाला फैक्टर फंसा रहा है, वो तिवारी जी को मदद करेगा और तिवारी जी ही जीतेंगे 100%। अरविंदर सिंह लवली छोड़ के चले गए, कन्हैया का ही मैटर था, इसी वजह से नाराज हो गए, क्या लग रहा है वो भी नुकसान कुछ कर रहा है यहाँ पे कांग्रेस। वो तो अरविंदर सिंह लवली का तो प्रदेश अध्यक्ष किसी भी पार्टी का अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए तो पार्टी डिमोरलाइज तो हो ही जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं। डिमोरलाइज हो गई, असर पड़ेगा उस, बिल्कुल असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और डे बाय डे लोग संगठन छोड़ के किसी भी पार्टी का अगर भाग रहे हैं, शिप को डिजर्ट करने वाली बात हो गई। मनोज तिवारी लग रहा है आपको एडवांटेज है क्षेत्र, एकदम क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि इससे मनोज तिवारी की छवि बहुत सुपीरियर है। मनोज तिवारी से व्यक्तिगत उनको वोट पड़ेगा या ऊपर मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। निश्चित रूप से मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा, भाजपा को वोट पड़ेगा, लेकिन मनोज तिवारी कैंडिडेट हैं इसलिए उनको जीतना तो होगा ही, लेकिन वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पर। कहाँ के रहने वाले। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। वोटर कहाँ के। वोटर दिल्ली का।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जी, यही सोनिया बिहार के वोटर हूँ मैं। बाकी दिल्ली की सातों सीट पे क्या लग रहा है उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है बाकी सीटों का। सर आप लोगों को क्या लग रहा है सर, सामने आइए। देखियो ग्राउंड पे जो सच्चाई है मेरी बात सुनो, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, जितना उम्मीद थी वो खरे नहीं उतरे, ये बात सत्य है। लेकिन ये वोट मोदी का है और मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा, मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्र का चुनाव है ये, हम गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी मुद्दा है, सड़क नाला ठीक है लेकिन विधानसभा में ये मुद्दा हावी होता है। राष्ट्र का चुनाव है, कन्हैया यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद किए जाएंगे। और सुनिए, ये दिल्ली की सीट तब केजरीवाल जब 67 सीट जीते थे, ये सीट तब भी बीजेपी जीती थी। मनोज तिवारी को सवाल नहीं है, मनोज तिवारी को हम लायक नहीं कर रहे हैं, हमें पता उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मोदी को देखते ही ये पूरा सोनिया बिहार एक तरफ सोच डालेगा और भारी समर्थन से तिवारी जीते यहाँ से। ये लोग समस्या बता रहे थे, शायद यही वजह है कि इलाके में सांसद पार्षद विधायक सब भाजपा का। समस्या कोई देखिए समस्या है लेकिन समस्या इस समय राष्ट्र की बात है। हम वही जो कुछ लोग हमें मिले कांग्रेस की जो बात कर रहे थे, हमने उनसे यही किया, यही सवाल किया कि अगर इतनी समस्या है तो भाजपा यहाँ हर बार जीत कैसे रहा है? विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, निगम पार्षद भाजपा का। 20 साल से यहाँ पर गली नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रहा है, नाली नहीं बन रही है, हमको पता है। लेकिन जहाँ पर मोदी का सवाल आता है, राष्ट्र की बात आती है, वहाँ हमको सड़क बिजली पानी नहीं दिखाई पड़ता। ये समस्या आप छोड़ देते हैं उससे। मैंने क्या बोला आपसे, ये इलेक्शन मोदी का है, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है और एक तरफ से वोट डालेंगे, एक तरफ से। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं ना, इलाके को बहुत फायदा हुआ है। ये मनोज तिवारी के लिए अलग स्पेशल कोई बात नहीं है, मैंने और किसी यार डिस्ट्रिक्ट से अगर इसकी तुलना करें, इसको अगर नापें तो क्षेत्र में भाजपा ने कम विकास नहीं किया है। मेट्रो आ रही है, सिग्नेचर ब्रिज बन गया है, हाईवे का निर्माण हो गया है, ओवर ब्रिज का जो सहारनपुर जा रहा है। लेकिन एक छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन पर भी अगर ध्यान दिया गया होता सांसद महोदय के द्वारा, तो ये जो छोटी छोटी असंतोष जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये स्वाभाविक भी है, ये होनी भी चाहिए, ये नहीं होती। कह रहे ये देश का चुनाव है, मोदी जी को वोट यहाँ लोग कर रहे हैं। तो देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र एक मत है। लेकिन जो समस्या बताया जा रहा है, समस्या तो 70 साल से भी बनी पड़ी है, वो तो ऐसे ही चलती रहनी है, आज नहीं तो कल पूरी होगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पर बीजेपी के लिए तो एक राष्ट्र हो गया ना, राष्ट्र में सब एक मत है, राष्ट्र में सब एक मत है। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल मोदी का भाई? मोदी इसमें तो कोई समझौता है ही नहीं है, ना कोई रोक सकता है। सातों सीट पे क्या लग रहा है दिल्ली? एकदम मोदी मोदी मोदी। केजरीवाल कह रहे बाहर निकल गए, लहर आ गई, हवा बदल गया। वो हवा तो बदल रही है, केजरीवाल की हवा बदली है ना, अब वोटों को थोड़ी बदली है। केजरीवाल चुनाव हो जब देखे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार विपक्ष का उम्मीदवार है, बता रहा हूँ आपको। दिल्ली हो चाहे बनारस हो चाहे यूपी हो, कोई नेता नहीं है योगी जैसा ना मोदी जैसा। कह रहे मोदी जैसा कोई नेता नहीं, वही जो इन्होंने बताया है वही बात ही है, इन्हीं की बात पे हमारा भी समर्थन है। कह रहे मोदी जैसा कोई नेता ही नहीं है। नेता तो बहुत है जी, बहुत अच्छे अच्छे नेता है, अच्छे नेता नेता है, नेता क्यों नहीं है? अरे जब प्रधानमंत्री में तभी सामने आएगा, हर आदमी की इच्छा किसको वोट देगा, हम किसको कहते हैं किसको कौन वोट दे रहा है, ऐसा कोई किसी की इच्छा नहीं है, अपने अपने हर आदमी की इच्छा। इस सीट पे इस बार लड़ाई है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट जम के लड़ाई है जी इसकी। कन्हैया कुमार का क्या लग रहा है? दोनों पार्टी का है जी, कन्हैया कुमार ठीक चल रहा है, लेकिन जो है उसपे जो दाग लगा देश विरोधी छवि वाला JNU का टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तो जी होते ही रहता है, ऐसा क्या, ये तो सबके ऊपर दाग है। संसद क्यों बनाते हम लोग, यहाँ काम करे ना, मोदी जी थोड़ा आके यहाँ काम करेंगे जब संसद ही नहीं काम करेगा, तो संसद क्यों बनाते हैं बताओ। तिवारी जी 10 साल से सांसद है, काम नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, काम कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है, बदल देंगे? हाँ बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे, कन्हैया जी को वोट देंगे, भरोसा है कन्हैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दाग लगा उन पे जो कह रहे JNU, साबित हुआ है, साबित कहाँ हुआ बताओ, कहाँ साबित हुआ है भाई? केजरीवाल जिंदाबाद, हवा बदल गया है दिल्ली, बदल गया दिल्ली का, आखिर बार केजरीवाल है जिंदाबाद, हवा बदल गया है, बिल्कुल बदल गया, केजरीवाल आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल। सातों सीट पे कौन आ रहा है? सातों सीट पे केजरीवाल आ रहे हैं, बीजेपी आई है सर, सातों सीट बिल्कुल, थूपड़ा इनका साफ है, पहले भी हुआ था और इस बार भी होगा। सीटें हो सकता है 400 ना आए बीजेपी की, कुछ कम आएगी, इसलिए कि 10 साल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जीतेगी सरकार तो नहीं की बनेगी बीजेपी की, कोई इनके अपोजिशन में कोई नेता है ही नहीं। आप ये देखिए कि मोदी ने 10 करोड़ उज्ज्वला योजना दिया, पहले क्यों नहीं दिया गया? हम लोग गांव से हैं, अयोध्या से, किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि लैटरिन होनी चाहिए भाई? जब हमारी बहनों की शादी, किसी की शादी होती थी, बहू आती थी तो वो रात को जाती थी लैटरिन करने, सुबह उठ के शौचालय वाला चले सबके घर। आज मैं गांव से हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे सम्मान मिला, औरतों को सम्मान मिला, किसने सोचा बताइए? इनकी सरकार थी, सोचा कभी नहीं ना? उज्ज्वला योजना दिया, लैटरिन योजना, नल जल सब मिल रहा है,
और सड़कें हम देख रहे इलाके में मनोज तिवारी को लेकर गुस्सा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्र के मुद्दे पे वोट। गुस्सा मैं भी हूँ, अभी कुछ दिन पहले वहाँ आए थे तो मैंने उनको बोला भी था कि सर आप दिखते नहीं हो, आप दिखते नहीं हो बिल्कुल, आप मोदी के नाम पे ही जीत रहे हो। मैंने उनको बोला राम के नाम पे और मोदी के नाम जीत देते हो, कुछ काम करिए। अगर आप मिलने भी आओ कभी कभी कि हाँ भाई वहाँ पे आए यहाँ पे आए तो हमें अच्छा लगे, लेकिन हम वोट तो मोदी को देंगे क्योंकि ये है लोकसभा का। अगर विधानसभा का होता तो उसमें सोचा जाता था कि हाँ हमें किसे जिताना। मैंने विधानसभा में केजरीवाल को दिया जिताया यहाँ से, लेकिन मैं लोकसभा में मोदी को लाऊंगा क्योंकि उसके अपोजिशन में कोई नेता है ही नहीं। आप बताइए, विकल्प नहीं है, आप बताइए किसको लेके आएंगे, कोई है ही नहीं। केजरीवाल को लेकर बात करते हैं, जो छवि खराब थोड़ा हुआ उसका नुकसान हो रहा है। देखिए कन्हैया की छवि तो इन्होंने वहां पे सपोर्ट किया, जेएनयू में नारे लगे थे, वो आप सब जानते हैं। लोगों की मेंटालिटी बनी जाती है क्योंकि धीरे धीरे करके छाप बनती है। जैसे मोदी साहब ने 10 सालों में काम किया तो धीरे धीरे इंटरनेशनल पे दिमाग पे आज भी गाँव में या जो मिडिल लोअर मिडिल है उनके उनके दिमाग में आज भी छाप है कि भाई मोदी देश को आगे बढ़ा रहा है। पूरे अयोध्या का इस बार क्या माहौल है? हमारे आसपास पूरा खानदान ही बीजेपी को देता है। उस टाइम से 92 से जब विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद, और तब से ही हम लोगों ने कसम खा ली कि हम बीजेपी के अलावा कोई किसी को वोट देंगे नहीं, चाहे जो हो। मंदिर भी बन गया, मंदिर बन चुका है बिल्कुल। किस मुद्दे पे मतदान? मतलब ये है कि हम तो ये देखते हैं कि जो यहाँ का नेता काम करेगा हम उसी के तरफ से रहेंगे। जो काम करेगा मैं उसी के तरफ से रहूंगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। कोई गली बनी है कोई गली नहीं बनी हुई, खाली जो बनी होती है उसी को दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा पे लड़ा जाता है, ये सब समस्या ठीक है, समस्याएं हैं, लेकिन विधानसभा में ये सब समस्या ज्यादा हावी होता है, लोग देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट करने जाएंगे? लोकसभा के चुनाव में जो यानी सबसे जो बढ़िया देश के हित के लिए जो काम करता है उसके हित के लिए क्या लग रहा है, कौन बढ़िया काम? जो भी काम करता हो, जो भी आएगा हमारे समय में जैसे जो आता है हम उसी को मानते हैं। इस क्षेत्र से दो लोग खड़े हो रहे हैं, एनडीए से मनोज तिवारी है, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को है, मनोज तिवारी को तो 10 साल हो गया लड़े हुए और यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन 10 दिन भी यहाँ पे नहीं आए होंगे, जबकि वहाँ पे प्रधानमंत्री 44 बार गया है, कहाँ पे? काशी विश्वनाथ, और यहाँ पे 2 दिन नहीं आ सकते हैं। तो उनको समझना चाहिए ना कि हमारा विधानसभा है, गोद लिया हुआ है या कुछ भी है, तो कम से कम आ करके देखें तो सही कि हमारे विधानसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार सामने लड़ाई दिख रहा है, तो लड़ाई बिल्कुल सही दिख रही है, मेरे को लिख रहा है कि टक्कर की लड़ाई है। क्या सोच के वोट? अब देश हित के लिए क्या हो सकता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हम जैसे लोग पढ़े लिखे हैं अभी भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, पेपर देते हैं आउट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आर ओ का पेपर दिया था, अच्छा गया था, लेकिन बाद में सब खराब हो गया। अब फिर से देखें क्या होता है जब पेपर हो तो। अच्छा, तो आपकी समस्या है पेपर आउट हो जाता है? जाता है, महंगाई भी तो है। अब देखिए यही सोनिया बिहार के तीसरे पुस्ते पे आज से कम 4 साल पहले जो सब्जी मैं क्या कहते हैं एक हफ्ते के लिए 200 में खरीद के ले जाता था, आज भाई 400 की है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं अभी भी हर मंडे को खरीदने आता हूँ, तो महंगाई तो है, दुगनी है महंगाई है। महंगाई को लेके क्या लग रहा है, किसे वोट कर रहे हैं इस चुनाव में? महंगाई को लेकर देखिए, महंगाई को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम उठाया है नहीं। इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है ना, वो हो जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वो तो नीचे जा रही है, या जिस ढर्रे पे टिकी थी उसी ढर्रे पे है ना, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ सरकार से नाराज दिख रहे हैं। अब देखिए जो डिलीवरी करेगा वही तो क्या कहते हैं आएगा सत्ता में, है ना, इनके पास अब बताने के लिए कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं ये, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, मंगलसूत्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल? अरे माहौल तो भैया सब ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होता है, सुनवाई नहीं होता कोई नहीं। हम तो इतना पिल्सिन करप्टित, राशन कार्ड करप्टित, को 8,000 मांगी, को 5,000 मांगी, और घुसौ दीना हम अपनी पिल्सिन का, वहाँ चला गया आदमी को पता यह हुआ था, बस काम नहीं होता है, काम करना नहीं, काम भाव हमारा तो नहीं होता भैया, न पिल्सिन बंधी हमारा 60 साल के, न राशन कार्ड बना। अब ये को बनवाओ, हम तो सबका वोट दे जी का कोई काम नहीं करे। बड़े बड़े वादे करते कहते हैं, गरीब बहुत काम कर रहे हैं, जब जीते खाते सब कोई वादा करता है, और घर घर जाकर हाथ जोड़ रहा था, और बाद के जाओ तो कोई पहचानता है। किसको वोट देने जाए? कांग्रेस को हाँ, न जी का जो करे कोई करे, कोई करत नहीं, उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, हम तो कांग्रेस का दे, हमारी तरफ से 6 वोटे हैं। नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, और इसके सिवा कुछ है ही नहीं। कौन समस्या का निवारण करेगा? समस्या का निवारण ये हमारे जो है कांग्रेस और आम आदमी मिलके ही कर पाएगी, भाजपा के बस का नहीं है, क्योंकि 1993 से यहाँ विधायक भाजपा का ही था, सांसद भी
यहाँ भाजपा का ही था, निगम पार्षद जो है वो दोनों भाजपा के ही हैं, एक गंदे पानी की निकासी नहीं कर सके पूरी। ये लोग भाजपा के बन जा रहे, इतना समस्या है। ये कुछ अंधभक्त है ना, वो उनको वोट दे देते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो विकास कुछ नहीं है। उनकी संख्या ज्यादा है इलाके में। हाँ, कुछ अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है इसलिए वो उनको वोट मिल जाता है। एक चौहान पट्टी गाँव गोद लिया था हमारे सांसद महोदय ने, देख लो जाके वहाँ कुत्ते मूतरे हैं, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक गेट बना दिया, उसका भी जाने कितना पैसा सेंक्शन हुआ, वो पैसा सिर्फ खा गए। इलाके का समस्या आप बता रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र से कन्हैया कुमार विपक्ष का उम्मीदवार है। कन्हैया कुमार अगर यहाँ आ गया तो शायद यहाँ चेंजिंग हो जाएगी। हम लोग तो यही चाहते कि कन्हैया कुमार अब किया जाए। और बिहार से कन्हैया को यहाँ इस सीट से लड़वाना, ये फैसला कैसे देखते हैं? तो बिहार से ये भी तो है, बिहार से तो मनोज तिवारी जी भी है। तो आपके पार्टी के भीतर ही लड़ाई हो रही है कांग्रेस में, संदीप दीक्षित के साथ कन्हैया के बहस हुई है। खबर है कि लोकल लीडर जो दिल्ली के स्थानीय लीडर पसंद नहीं कर रहे, बाहरी का धब्बा लगा दिए कन्हैया। जब तक टिकट नहीं मिलती तब तक लड़ाई रहती है, अब कोई लड़ाई नहीं है, कन्हैया कुमार के साथ सब लोग लगे हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में, कोई कलह नहीं है। कोई और उम्मीदवार यहाँ से होता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं नहीं, कन्हैया कुमार बहुत बेहतर है, कन्हैया कुमार को वोट मिलेगा, कन्हैया कुमार जीतेगा यहाँ से, संसद बन के जाएगा वो। संसद यहाँ से बन के बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हाँ, जीत रहा है कन्हैया कुमार। क्या लग रहा है सर? समस्या तो सोनिया विहार के लिए ऐसी है, आज मेरे को 6 साल हो गए सोनिया विहार में। सोनिया विहार के अंदर हाई टेंशन के नीचे न तो मीटर दिए जा रहे हैं, न लाइट का कनेक्शन करा जाता, न कोई नाली, न पानी, न बिजली, और ना ही लाइन बिछी हुई है, पानी कहीं चालू नहीं है। सोनिया विहार का प्लांट है और सोनिया विहार में पानी नहीं, ना तो निकासी है, ना ढंग की सफाई है, ना कोई रोड है, ना कोई मतलब रोड डबल करने कह रहे हैं, ये 10 साल हो गए अभी तक डबल नहीं हुआ। जो रोड बनने को था वो भी एक अंडरपास का मुद्दा था, तिवारी जी ने 4 बार उद्घाटन करा, वो अंडरपास भी नहीं बनाया, इसलिए ये लोग फेल हो चुके। इस बार जो है वोट सारे मिल के कन्हैया कुमार को देंगे और इनको सांसद बना के भेज। की 7 सीट पे क्या लग रहा है? दिल्ली की 7 सीट, हाँ, इंडिया गठबंधन जीतेगा आपकी, सातों जीतेगा। बहुत बदलाव आएगा आपकी, बहुत कड़ा बदलाव है। हाँ, जनता का रुख बदल गया है। हाँ, क्यों? इन्होंने किसी ने काम नहीं किया, इनको टिकट दिए नहीं गए, इस पे टिकट दिया गया, क्योंकि ये इसको नचैया गवैया को टिकट दे देते हैं तो ये कुछ काम तो करता नहीं है। ये एकमात्र ऐसा सीट है जहां भाजपा ने 6 उम्मीदवार बदल दिए, 6 सीटों पे यहां नहीं बदला, मनोज तिवारी पे ही भरोसा जताया। मनोज तिवारी बहुत पैसे वाला है, इसने बहुत पैसा जो है मोदी को दे दिया, इसलिए इसको टिकट मिला है, बहुत पैसा दे दिया इसने। क्या लग रहा है सर पैसे पे? सर, हिंदुस्तान में 2 राज ऐसे है, एक राजस्थान, एक हिमाचल, हर 5 साल बाद बदल देते हैं, लेकिन ये दिल्ली के हमारे सोनिया विहार वार्ड जो है, यहाँ आज तक प्रत्याशी बदली नहीं गई, लोग बा उसी को जिताते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पब्लिक खुश है, जब तो हमें जिता रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ही नरकीय जिंदगी है भैया। एक वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला। वोट देने वाला वहाँ दे जहाँ पे उसे पता लगे हमारा काम होगा, और वोट लेने वाले को उसे दिया जाए जो कैंडिडेट सही हो। ये फैसला पब्लिक के हाथ में, और ये करना चाहिए। इस बार पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता, और ये बदलाव होना है।